18 तारीख को मैं अपने दफ्तर से उतर कर पार्किंग लॉट में, मेरे दफ्तर की पार्किंग लॉट है। अच्छा। और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी तो राइट साइड पे एक टूसॉन आकर रुकी, और अभी मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की थी, मैं दरवाज़ा लॉक कर रही थी कि पीछे आके बैठ गए। मैंने गाड़ी से निकलने की कोशिश की तो आगे से एक बंदे ने आके मुझे पीछे धक्का दिया, और इन्होंने मुझे दोनों फ्रंट सीट्स के बीच में से पीछे सर और गले से पकड़ के खींच लिया। काफ़ी स्ट्रगल की मैंने, दोनों शीशे खोले, जिस तरह भी बाहर निकलने की, चीखे मारने की कोशिश की, बट इवेंचुअली इन्होंने मुझे दबोच के दोनों फ्रंट सीट और बैक सीट के बीच में जो फुट स्पेस होती है उसमें लंबा करके उल्टा करके दबोच लिया। एंड काफ़ी मारा पीटा, काफ़ी बदतमीजी की, तकरीबन 45-50 मिनट्स तक ये मुझे मारते पीटते रहे, सवालात करते रहे, मेरे फादर का नाम पूछते रहे, उनका नंबर मांगते रहे। बट इस दौरान फ़ोन मेरे हाथ में था, जब मैं गाड़ी में बैठी थी और सारी स्ट्रगल में मेरा फ़ोन मेरे हाथ से नहीं निकला, और जैसे ही इन्होंने मुझे नीचे दबोचा तो मैंने फ़ोन को पैसेंजर सीट के नीचे स्लाइड कर दिया, क्योंकि मेरा मुंह पैसेंजर सीट के पीछे था, आधा फेस मेरा मैट के अंदर था और मुझे एक आँख से नीचे नज़र आ रहा था। तो मैंने जिस तरह भी करके अपने हस्बैंड को लाइव लोकेशन शेयर करके कॉल दी और फ़ोन मैट के नीचे कर दिया। शुक्र है अल्लाह का, इन्हें फ़ोन नहीं मिला। ये मारते पीटते रहे, पूछते रहे, घुमाते रहे गाड़ी। दे वॉन्टेड टू आस्क फॉर मनी, बट इवेंचुअली दे रियलाइज कि फ़ोन शायद गाड़ी में है या कोई और शायद चीज़ है जिससे कोई कॉल मिल रही है, बिकॉज आपस में बात करते हुए बोल रहे थे कि झूठ बोल रही है, कुछ है गाड़ी में, इसने कहीं कॉल मिलाई है, कोई है पीछे। तो मैंने रियलाइज कि मेरे हस्बैंड पीछे हैं, मेरे फादर पीछे हैं, उन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने और फादर ने पुलिस को इंगेज किया और वो सब पीछे आए, तो इनको मुझे नहीं पता कैसे पता चला, कॉल्स पे थे ये कंटिन्यूसली। इन्होंने मुझे मेरे ही स्काफ से ब्लाइंड फोल्ड किया, जिससे पहले मुझे गले से पकड़ के मार पीट रहे थे, और मुझे स्टेट लाइफ सोसाइटी के गेट पे बाहर फेंक दिया। आई डोंट नो, जो हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखा फुटेज में, फीलिंग ये आती है जैसे इट वॉज एन इन्फॉर्म्ड इवेंट, लेकिन कभी इस तरह हुआ नहीं। मेरी रूटीन सिंपल है, मैं आई वर्क फॉर अ मल्टी नेशनल, दे हैव एजाइल वर्किंग पॉलिसी इन प्लेस, 50-50 अटेंडेंस होती है, दिन वेरी भी कर जाते हैं। हाँ, दफ्तर से निकलने का टाइम फिक्स्ड है, 5 बजे मैं निकलती हूँ एंड आई हेड होम आइदर टू माई पेरेंट्स और टू माई इन-लॉज। तो बट इट वॉज काफ़ी रश वाली जगह है, मैं नहीं बता सकती कि मैं 2 हफ्ते में डिफेंस ही नहीं जा पा रही। आई फील सो टेरिफाइड कि मैं गाड़ी में बैठ ही नहीं पा रही। मैं देखती हूँ अपने इर्द गिर्द कोई गाड़ी, पहले डर लगता था कि शायद कोई बाइक पर आके रुके गए कुछ, तो यू हैव टू बी सेफ, लेकिन अब तो शायद गाड़ियाँ भी आके रुकें तो बंदे को निकल जाना चाहिए वहाँ से। बरामद हुई थी तो मेरे चेहरे पे, मेरे गले पे, हर जगह आई हैड ब्लीडिंग वुंड्स, मुझे इतना इन्होंने मारा मेरी ही गाड़ी के पीछे। एंड मैं कहती रही इनसे कि मुझे छोड़ दें, इफ़ यू वांट अ कार ले जाइए, माय मदर इज वेरी इल, आई केप्ट रिक्वेस्टिंग कि माय पेरेंट्स, माय relatives, they won't be able to take the pain, but they kept beating me. They wanted to ask for money from my dad. I am sure about that. बस अल्लाह ताला ने रखना था, पर मैं आपको नहीं बता सकती कि वो ही भर गए, पर मुझे नींद नहीं आती है। I close my eyes, मैं खौफ से उठ जाती हूँ। It's been 2 weeks almost, 2 weeks ही हुए हैं। नहीं जी, हमने FIR फर्स्ट डे करवाई थी, 2 हफ्ते हो गए। मैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, इनके एटीट्यूड से सारे उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इन्होंने हमें कोई रब्ता नहीं किया, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, ना हमसे कोई मुलजमान की आइडेंटिफिकेशन कराई गई, ना हमें कुछ बताया जा रहा है। मेरे फादर और मेरे हस्बैंड ने नए CCPO साहब आए, उनसे रिक्वेस्ट की कर, आई होप कि वो कुछ कर दें अब हमारे लिए, लेकिन अभी तक हमें किसी ने लूप में नहीं रखा हुआ।
I'm very dissatisfied with the investigation and the attitude of police. Itna careless. मतलब पहले तो हम ये सुनते थे कि बच्चियां यहाँ चली गई वहाँ चली गई कपड़े ऐसे अब हम दफ्तर भी ना जाए हम पढ़ने भी ना जाए and the only reason I agreed to speak today I wanted to share the trauma is because ये डिफेंस का इलाका है सेफ कहा जाता है इन एरियाज को डिफेंस गुलबर्ग यहाँ स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं आई सी सो मेनी वुमेन जो अपने बच्चों को स्कूल्स लेकर जाती हैं जो दफ्तरों में जाती हैं कॉलेजेस में जाती हैं एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड अ ड्राइवर समटाइम्स ड्राइवर होते हुए भी आपको अकेले जाना पड़ता है किसी बड़े के होते हुए भी अकेले जाना पड़ता है तो क्या हम अब रिस्क कमाने के लिए भी निकलना छोड़ दें शराफत से हम पढ़ने के लिए भी निकलना छोड़ दें